हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून एवरीवन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की जो कि आपके प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं फ्रेंड्स से एम योर फ्रेंड आई एम एस के शर्मा आई हैव सिक्सप्रेस यस टीचिंग एक्सपीरियंस अपीय टू टाइम्स यू पी एस सी इंटरव्यू फोर टाइम्स यू पी एस सी मीस एग्जाम एंड ऑल्सो क्वालिफाइड स्टेट पी एस सी एग्जाम देखिए दोस्तों अन एकेडमी पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स फोर्टीन फेब को एक नया बैच लेकर आने वाले हैं तो यू कैन वॉच इट और आप इस बैच में अपनी यू पी एस सी प्रिपरेशन को कम्प्लीट कर सकते हो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स आपको इस बैच में मिलेंगे और इसके लिए आप दो तरीके के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो एक है प्लस सब्सक्रिप्शन और दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो एक साल का प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स है फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का इसमें एस एस लाइव रेफरल कोड को यूज़ करो अप्लाई करो यही कोर्स आपको फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव फिफ्टी में अवेलेबल हो जाएगा अगर आप दो साल के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो ये होगा सिक्सटी में और थ्री ईयर के लिए ये आप 81,000 में कर पाओगे इसी तरीके से आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जिसमें आपको पर्सनल कोच मिलता है डेली क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टडी ट्रैकर और स्टडी बूस्टर के साथ में आपको हर जगह गाइडेंस दी जाती है तो इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए आप फिर डबल एस लाइव रेफरल कोड को अप्लाई करें और एस एस लाइव रेफरल कोड के साथ में वन ईयर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होगा सिक्सटी सेवन थाउजेंड का टू ईयर होगा वन लैख फोर थाउजेंड का और थ्री ईयर होगा वन लैख थर्टी एट थाउजेंड का तो इस तरीके से वन ईयर टू ईयर और थ्री ईयर के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो और देखिए दोस्तों चौदह फरवरी को आपका ऑल इंडिया अनएकेडमी कॉम्बैट होने वाला है जो कि ग्यारह बजे होगा और कई बच्चों का कहना था कि सर हमें कहाँ पर ये टेस्ट देना है वो मिल नहीं रहा है तो उसके लिए आपको अभी कमेंट बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया गया है तो उस लिंक पर क्लियर क्लिक करो और अनअकेडमिक कॉम्बैट के सीधे आप लिंक पर पहुंच जाएंगे और वहां पर एस एस एल आई वीई एस एस लाइव रेफरल इनवाइट कोड डालकर उसे एनरोल कर लो रजिस्टर कर लो तो जब आपके चौदह फरवरी को एग्जाम होगा तो आपको अपने आप लिंक आ जाएगा तो ऑल इंडिया लेवल पर आपकी क्या प्रिपरेशन है वो आप जान पाओगे तो कमेंट बॉक्स के अंदर एक लिंक है एग्जाम एडीजी चैनल में वहां पर आप उस पर क्लिक कीजिए और एस एस लाइव रेफरल कोड के साथ में आप उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अनएकेडमी की फ्री वन मंथ की क्लासेस भी मिल जाएंगी और नेशनल लेवल पर आपका क्या लेवल है कितनी आपकी प्रिपरेशन है ये भी जान पाओगे ओके गाइस चलिए तो बात करते हैं आज के पहले टॉपिक की एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू वेरी वेरी गुड आफ्टरनून तो देखिए पहला टॉपिक है हमारा आज का जो कि कल लास्ट मिच रह गया था ऑस्ट्रेलिया में भी जंगलों में काफी आग लगी है और हमारे विश्व में जो अमेजन फॉरेस्ट है जो कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट है जहां पर काफी ज्यादा ऑक्सीजन निर्मित होती थी उनमें भी काफी दिनों तक महीनों तक आग लगी रही तो देखिए जब ये आग लगती है तो उसे शुद्ध भाषा में कहा जाता है दावा नल और आपके इन दावा नलों से ही एक मौसम की प्रणाली विकसित हो जाती है एक मौसम बन जाता है क्योंकि तो सिंपल सी बात है जहां पर आग लगेगी वहां कुछ गर्मियां होंगी वहां पर कुछ वाष्प बनेगा और अलग तरीके के धुएं के जो बादल हैं वो बन जाएंगे तो यहां से भी आग लगने की वजह से जो बादल बनते हैं उन्हें कहा जाता है पायरो क्लूमो निम्बस बादल पायरो क्लूमस दो शब्दों से मिलकर बना है एक है पायरो यानी आग और क्लूमो निम्बस यानी कि कपासी बादल क्यूलो निम्बस बादल का मतलब वही बादल होते हैं जो कि आपके पृथ्वी से लेकर पृथ्वी की सतह से लेकर काफी ऊंचाइयों तक रहते हैं यहां से तो ये आग लग रही है तो यहां पर तो धुआं उठेगा और फिर वो धीरे धीरे फैलता जाएगा और साइंस के अकॉर्डिंग जैसे ही ऊष्मा का एक क्षेत्र प्रसारित होता है तो वहीं पर आपके संघनन होने लग जाता है और जैसे ही ऊष्मा पहले तो एक छोटे पार्ट में थी वो फैल गई तो पर यूनिट एरिया एनर्जी कम हो गई संगनन हो गया और फिर बादल बन गए तो जैसे ही बादल बने कुछ दूर जाकर उन्हें ठंडी हवाएं मिली या फिर एक ऐसी सतह मिली जहां पर वो जो संगनन है वो बूंदों में कन्वर्ट होकर टपक सकता है तो यहां पर फिर आ, आपके डाउन बस्ट हो सकता है और साथ साथ में लाइटनिंग भी हो जाती है तो इसी तरीके से आग कहीं लगती है बरसात कहीं होती है और बिजलियां कहीं चमकती हैं इन सभी से एक मौसम विकसित हो जाता है तो ये दावा नल के द्वारा विकसित मौसम प्रणाली कहलाती है तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में मौसम विभाग ने कहा कि आपके तड़ित झंझावाड़ थंडर स्ट्रोम बिजली निकलकर जो आपके बरसातें होती हैं उसके काफी गुबार देखे गए हैं और ये सब गर्मी की जो गर्म हवाएं हैं आग से निकली हुई जो गर्म लपटे हैं उनकी वजह से है जो गर्म लपटे हैं वो आपके एक जगह से उठकर ठंडे माहौल में चली जाती है ठंडे स्थान पर चली जाती है तब ऐसी बरसात होती है तो ये सारी चीज होती है और साथ साथ में आकाशीय बिजली भी चमकती है तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के वनाग्नि के प्रभाव से एक नई मौसम प्रणाली विकसित होने के संकेत दिए गए हैं जिसमें अनियंत्रित आग के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से आपके इस तरीके के पायरो निम्बस क्लाउड बन जाते हैं ये जो क्लाउड होते हैं पृथ्वी की सतह से 40 फीट से अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं और फिर पायरो निम्बस बादलों का की वजह से बरसात होती है और बिजली भी चढ़क तड़ती है तो ये सभी चीजें आपके होती हैं वनाग्नि की अनिश्चितता और विभिषिका को ये और बढ़ा देगी और खासकर आकाशीय बिजली दोबारा कहीं पर आग लगने का रीज़न बन जाएगी क्योंकि जैसे ही बिजली चमकेगी तो हो सकता है कि आगे भी कोई जंगल हो वहाँ पर भी आग लग जाए और फिर ये चेन रिएक्शन चलने लग जाएगी तो एक तरीके की स्वतंत्र मौसम प्रणाली इस वनाग्नि से उत्पन्न हो सकती है और ये जो आग किसी एक सीमा क्षेत्र तक थी वो धीरे धीरे बहुत दूर तक फैलती हुई चली जाती है तो एक तरीके से यह हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते थे किसी एक विशेष क्षेत्र पर आग को कंट्रोल करते थे बट इस निम्बस क्लाउड की वजह से तो ये आग बहुत ज्यादा क्षेत्र तक फैलने लग गई है अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आखिर आग लगी क्यों थी तो पहला रीजन कि ऑस्ट्रेलिया का गर्म और शुष्क परितंत्र का हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया का जो मौसम है वो कहीं ना कहीं सेमी एरिड टाइप का है तो आग लगना थोड़ा सा स्वाभाविक हो जाता है दूसरा यहां पर कुछ वर्षों से लंबे समय तक सूखा और तापमान बढ़ता जा रहा है तीसरा रीजन है कि जब भीषण सूखे का सामना ऑस्ट्रेलिया तीन सालों से कर रहा था तो यहां पर 1900 के बाद में 2019 को ही सबसे गर्म वर्ष बताया गया और टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया जो कि सामान्य से 40 से भी ज्यादा टेम्परेचर था तो एक तरफ से हीट वेव काफी चलने लग गई अब किसी सूखे के अंदर जो पेड़ आपके शुष्क प्रकृति के हैं उनमें हीट वेव लगेगी तो फिर आग हो जाती है तो इस वजह से ये सारी चीजें हो गई और एक और महत्वपूर्ण कारण है इंडियन ओशियन डाइपोल हमारा हिंद महासागर द्विध्रुव के कारण भी ये आग लगी है क्या होता है इंडियन ओशियन डाईपोल आपने सभी ने जोग्राफी में अल नीनो और लानीना जरूर पड़े होंगे जिनमें से अल नीनो जो है वह हमारे भारत के लिए अच्छा होता है अल नीनो हमारे भारत के लिए बुरा होता है और वह मानसून में कमी करता है अल नीनो में क्या होता है असामयिक रूप से पेरू के तटों पर सामान्यतः जो टेम्परेचर कम होता है जिससे वहाँ पर उच्च दाब बनता है और उच्च दाब की वजह से हवाएं चलकर हमारे भारत की तरफ आ जाती है ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाती है बट असामान्य रूप से अलनिनो में पेरू के तट का जो तापमान है वो बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने की वजह से जो उच्च दाब बनना चाहिए था वहां पर वो नहीं बन पाता निम्न दाब बनता है तो हवाएं फिर पेरू की तट की तरफ पर चलने लग जाती हैं तो वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो हमारा जो मानसून है वो वीक हो जाता है इसी का विपरीत अलिनो में होता है तो वो हमारे लिए काफी अच्छा होता है मानसून हमारे लिए अच्छा हो जाता है अलिनो में और सॉरी अलिनो में हमारा मानसून सॉरी गड़बड़ अलिनो में हमारा मानसून बेकार हो जाता है और लानीना में हमारा मानसून अच्छा हो जाता है तो मेनली अलिनो और लानीना बनते क्यों हैं हमारे हिंद महासागर में क्या है एक डाइपोल बनता है द्विध्रुव बनता है जिसका एक तरफ तापमान उच्च होता है एक तरफ कम होता है और उसी की वजह से मानसून की प्रकृति प्रभावित होती है संतुलन हो जाए असंतुलन हो जाएगा तो नई नई प्रकृतियां देखने को मिलेंगी पर अब क्या है इंडियन ओशियन डायपोल जैसे बनता है तो एक तरफ उच्च तापमान होगा और वही उच्च तापमान आपके ऑस्ट्रेलिया की तरफ हुआ और उसी ने वनाग्नि को प्रभावित कर दिया और बाकी इंडियन ओशियन डाइपोल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है इंडियन ओशियन डाइपोल के बारे में ज्योग्राफी वाले सर से बोलना वो डिटेल में आपको पढ़ाएंगे चलिए तो देखिए यहाँ पर ये यह सारी चीजें हुई तो अब देखिए जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होता जा रहा है वैसे ही वनाग्नि क्यों बढ़ती जा रही है क्योंकि तो देखिए जलवायु परिवर्तन की वजह से हिंद महासागर में इंडियन ओशियन डाइपोल का स्वरूप बदलने लग गया है हिंद महासागर के द्विध्रुव का स्वरूप बदलने लग गया है इसके कारण मौसम में कई घटनाएं बार बार हो रही हैं और असामान्य घटनाएं हो रही हैं जैसे कि आपने देखा होगा या तो हमारे इंडिया में बारिश अब आती नहीं है आती है तो लेट आती है और जब लेट आती है तो कुछ ही टाइम में बहुत सारी बरसात करके चली जाती है तो अब ज्यादा बरसात हो जाएगी एक कुछ ही दिनों में तो हमारी फसलें भी नष्ट हो जाएंगी लेट से आएगी तो फसल ढंग से पनप ही नहीं पाएगी दोनों तरफ से हमारा नुकसान है ये सब चीज़ें इंडियन ओशन डाइपोल की वजह से हो रही हैं या तो इंडियन ओशन डाइपोल लेट बनता है और बनता है तो इतना सक्रिय हो जाता है कि मूसलाधार बरसात करवा देता है तो ये सभी जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा दक्षिण एशिया का जो मानसून है वो इससे काफ़ी प्रभावित होता जा रहा है और भारतीय वनों में भी अग्नि प्रवणता बढ़ती जा रही है हमारे भारत के भी चौबीस जंगल ऐसे हैं जो कि अग्नि जहां पर पनप सकती है आग लग सकती है और वो क्षेत्र बढ़ता जा रहा है इन्हीं सभी कारणों की वजह से तो आपको सिर्फ प्रस के लिए इतना ध्यान रखना है कि वॉट इज पायरोक्लूमिनस लिम्बस क्लाउड क्या होता है ये क्लाउड कैसे नए मौसम की प्रणाली विकसित हो रही है बस इतना सा ध्यान रखिएगा चलिए तो आगे बढ़ते हैं हमारे हिमालयन आईबैक्स पर आईबैक्स का मतलब होता है एक तरीके की भेड़ जैसी प्रजाति होती है भेड़ जैसा दिखाई दे रहा होगा आपके तो ये है हिमालयन आई एक बहुत ही एंडेंजर्ड स्पीशीज रिसर्च की पत्रिका में एक लेख आया जिसमें आपके जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया और कहा कि हिमालयन आईबैक्स प्रजाति साइबेरियन आईबेक्स प्रजाति से अलग तथा विशिष्ट प्रजाति है पहले क्या माना जाता था कि दोनों के जो जीन हैं साइबेरिया में जो आई मिलते हैं और हमारे हिमालय में जो आई मिलते हैं दोनों आपके एक ही प्रकार के जीन से मिले हुए हैं पर रिसेंटली हमारे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि हिमालयन आई और साइबेरियन आई की दोनों की प्रकृति अलग है जीन पूल अलग है दोनों की विशिष्ट प्रकृतियाँ अलग अलग हो जाती हैं तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हिमालय अध्ययन पर एक राष्ट्रीय मिशन चला रखा है हमने क्या कर रखा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने आपके नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज चला रखी है और उसी के माध्यम से जो हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पिति क्षेत्र है वहां पर आई पाए जाते हैं तो इनके फील्ड का सर्वेक्षण किया सारे नमूने इकट्ठे किए और साथ साथ में कंपैरिजन करने लग गए मध्य एशिया ताजिकिस्तान अल्टाई माउंटेन मंगोलिया और रूस में पाए जाने वाले आई की प्रजातियों से तो फिर हमें पता चला कि जो असाइबेरियन आई है वह अन्य श्रेणी का है और हिमालयन आई अन्य श्रेणी का है यहाँ पर साइबेरियन आई की जो संरचना है वो प्लीस्टोसीन, है। प्लीस्टोसीन की है प्लीस्टोसिन यानी कि 2.4 मिलियन वर्ष पहले यानी कि 24 लाख साल पहले का है साइबेरियन आई और आपके हमारा जो आईबैक्स है वो है मियोसिन काल का हमारा आईबैक्स है 6 .6 6.6 यानी कि छियासठ लाख वर्ष पुराना तो ऑब्वियसली हिमालयन आईबैक्स जो है साइबेरियन आईबैक्स के पैदा होने से लगभग तिगुने टाइम पहले था ये 24 लाख लाख वर्ष पहले का है और वो आपके छियासठ लाख वर्ष पहले का था तो ऑब्वियसली काफ़ी चेंज होगा पर साथ साथ में यह ध्यान रखिएगा कि हिमालयन आई बैग्स की लिस्ट में लीस्ट कंसर्नड है यानी कि अभी इतना ज्यादा यह मर नहीं रहा पर फिर भी लीस्ट कंसर्न है थोड़ा बहुत इसका संरक्षण करना है बाकी पर्याप्त मात्रा में है हिमालय में ताजिकिस्तान में भारत में आपके रूस के अंदर साइबेरिया साइड में काफी सारे आई आपको मिलेंगे तो इसीलिए लीस्ट कंसर्न है इसका साइंटिफिक नेम है कैप्रा सेबेरिका कैप्रा सिबेरिका इसे कहा जाता है और आई सॉरी हमारे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ संरक्षण अधिनियम की सूची वन में से रखा गया है मेनली इंडिया में ये पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कांझी सेंचुरी में ये पाए जाते हैं तो कांझी और हमारा जो पिन वैली नेशनल पार्क है उनके बीच में ये मिलेंगे वहां पर आपको मिलेंगे तो क्या है लीस्ट कंसर्न है तो इस चीज को ध्यान रखेंगे अब देखिए कहाँ मिलते हैं ये तो देखिए साइबेरियन आईबैक्स जो है वो एक जंगली बकरी की ही प्रजाति है जो कि शीत मरुस्थल चट्टानी भूमि और तीव्र ढाल के क्षेत्र में या फिर उच्च समतल भूमि या पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में मिल जाती है तो साइबेरियन आईबेक्स तो जंगली प्रजाति है एक जंगली बकरी की ही प्रजाति जबकि हमारा जो हिमालयन आईबैक्स है वो विशिष्ट प्रजाति है वो एक जंगली बकरी की प्रजाति नहीं है और वैश्विक वितरण की बात करें तो ये जो हिम, हिमालयन आईबैक्स है या फिर साइबेरियन आईबैक्स है या फिर जो टोटल आईबैक्स है वह मंगोलिया से लेकर अल्ताई हंगाई गोवी अल्ताई हरूक पर्वत और जैसी सभी पर्वत श्रृंखलाओं में मिलता है साथ साथ सयान माउंटेन्स में भी ये मिलता है तो पूरा एरिया ले लो आप साइबेरिया से लेकर हिमालय तक का पूरे एरिया में ये आपको मिलेंगे आईबैक्स कहीं ना कहीं एशिया में मिलते हैं ये भारत कजाकिस्तान ताजिकिस्तान मंगोलिया पाकिस्तान और दक्षिणी साइबेरिया चीन में भी आपके ये मिलेंगे भारत में हमारे मेनली लद्दाख जम्मू कश्मीर और ट्रांस हिमालय क्षेत्रों में मिलते हैं खासकर हिमालय से लेकर जो सतलज नदी है उसके बीच में जो आपके हिमालय पर्वत है उसमें काफी आपको मिलेंगे तो पूरा हिमाचल प्रदेश और सतलज नदी के आसपास ये आईबैक्स आपको काफ़ी मिलते हैं बट यहां पर एक नई इकोलॉजिकल टर्म और निकल कर आती है प्रजातीयकरण स्पेशिएशन वैसे तो ये टर्म पुरानी है पर इसी टर्म के आधार पर इनका विभेद किया गया है प्रजातीयकरण या स्पेशिएशन तो ध्यान रखिएगा प्रजातीयकरण क्या है कोई भी नए प्रकार के पौधे या जानवरों की प्रजाति की उत्पत्ति संबंधी अवधारणा है कि कोई भी पुरानी प्रजाति है बट उससे अलग होकर एक नई प्रजाति निकलती है तो वो किस कॉन्सेप्ट पर निकली क्यों निकली कैसे निकली इसी अवधारणा को स्पेशिएशन कहते हैं तो प्रजातिकरण तब होता है जब एक प्रजाति के भीतर एक समूह अपनी प्रजातियों के अन्य समूहों से अलग हो जाता है तथा अपनी अनूठी विशेषताओं को विकसित करता है कोई एक समूह है वो खुद अपनी प्रजाति से अलग हो गया कोई समूह में से एक स्पीशीज थी जो अलग हो गई उसने कोई नए यूनिक फीचर दिखा दिए तो वो हो गया प्रजातिकरण जैसे कि मानव भी कभी बंदरों से ही उद्भव हुआ है पर मान लीजिए उन्हीं बंदरों में से कोई एक बंदर था जिसने कुछ नई प्रकृति दिखाई होगी तभी तो मानवों में से बंदर अलग बंदरों में से मानव अलग हो गया एक नई प्रजाति बन गई और उन्हीं बंदरों में से कुछ आपके गोरिल्ला बन गए कुछ आपके औरंग बन गए और कुछ आपके आज भी बंदर ही हैं तो ये क्या है समय समय पर एक ही प्रजाति के लोगों में से कुछ अनूठी विशेषताएं दिखाने वाले ग्रुप अलग हो जाते हैं उसी ही अवधारणा को प्रजातीकरण कहा जाता है और ऐसा ही आईबेक्स के साथ में हुआ प्रजातीकरण पांच तरीके से हो सकते हैं और उनमें से दो तरीके सबसे महत्वपूर्ण हैं एक है सिंपैट्रिक मेथड और एक है एलोपैट्रिक मेथड देखो एलोपैट्रिक मेथड में क्या होता है जलवायु परिवर्तन के कारण टाइम टाइम से आपके जो स्थलाकृतियां हैं जलवायु का जो परिवेश है वो बदलता चला जाता है और फिर प्रजातियों का पूरा वितरण इससे प्रभावित होने लग जाता है तो सिंपल भाषा में कहा जाए तो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो भी भौगोलिक और पर्यावरणीय परिवर्तन होते हैं उन्हीं के कारण कुछ विशेषताएं आपके प्रजाति में जन्म लेने लग जाती हैं और फिर जो एक प्रजातीकरण होगा वह एलोट्रॉपिक कहलाएगा दूसरा प्रजातिकरण होता है सिंपैट्रिक इसमें क्या होता है कोई भी भौतिक बाधा नहीं होती बाहर से कोई फिजिकल एनवायरमेंट में चेंज नहीं होता है पर नई प्रजाति शायद एक अलग खाद्य स्रोत या विशेषता के आधार पर अकस्मात विकसित हो जाती है कि कोई भी बाहर से ना तो जलवायु परिवर्तन हुआ ना कोई पर्यावरण परिवर्तन हुआ पर कुछ विशेष चीज को कोई खाने लग गया को और उसकी वजह से उसके शरीर के अंदर कुछ नया फटाफट से एकदम से अकस्मात रातों रात कुछ नई चीज उत्पन्न हो गई कोई नई विशेषता आ गई उसे कहेंगे सिम्पैट्रिक तो यहां पर आपके कुछ प्रजातीय पर्यावरण क्या है कुछ विशिष्ट कारकों पर निर्भर हो जाते हैं और उसी के हिसाब से इनमें चेंजेस होने लग जाते हैं तो ये प्रजातीयकरण थे तो सिम्पैट्रिक और एलोपैट्रिक मेनली एलोपैट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया तब पता चला कि साइबेरियन बैग और हिमालयन आई एक नहीं है दोनों काफी अलग अलग हैं तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए चलिए बिल्कुल बच्चों पीडीएफ मिल जाएगा आपको कल का और आज का दोनों का पीडीएफ आज ही आपको साथ में दे देंगे तो पीडीएफ आपको एस के शर्मा ऑफिशियल यूपीएससी के चैनल पर मिलेगा एस के शर्मा ऑफिशियल यूपीएससी के चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा चलिए दोस्तों एक और सूचकांक की बात हो जाए जो कि है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी यूनिवर्सिटी ध्यान रखिएगा येल यूनिवर्सिटी इसे निकालती है और हर साल नहीं निकलता दो साल में एक बार निकलता है 2020 में निकला अब निकलेगा 2022 में तो द्विवार्षिक है ये और भारत 180 देशों में एक स्थान पर है यानी कि हमारा प्रदर्शन बेकार है 180 में से एक स्थान पर है भारत पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में येल यूनिवर्सिटी का जो सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी है तो था कोलंबिया यूनिवर्सिटी का सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो है ये दोनों मिलकर इसे निकालते हैं खासकर ईपीआई को विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से तैयार किया जाता है ऐसा नहीं है कि विश्व आर्थिक मंच निकालता है पर उसके सहयोग से ही ये तैयार होता है तो विश्व के जितने भी देश हैं वो हकीकत में पर्यावरण को सही करने के लिए क्या कर रहे हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें अपना रहे हैं जिससे कि पर्यावरण का नुकसान ना हो पर्यावरण का प्रदूषण ना हो उन सभी चीज़ों को देखा जाता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के अंदर तो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इन सभी चीजों को देख ही कार्य किए जाते हैं तो इस तरीके से ये चीज़ें आपकी की जा रही हैं हमारे इस पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के अंदर 11 विभिन्न मुद्दों से संबंधित कुछ 32 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर सभी देशों का प्रदर्शन देखा जाता है ग्यारह मुद्दे हैं और बत्तीस संकेतक हैं उनके आधार पर हम देखते हैं कि किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया कौन पर्यावरण को सुधार रहा है कौन अभी और ज्यादा बिगाड़ रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा ये सब चीजें देखते हैं तो क्या उन कौन से ये मुद्दे हैं तो ये ग्यारह आपके इश्यूज हैं पहला जैव विविधता और आवास कि जैव विविधता को संरक्षित करने में कौन सा देश क्या कार्य कर रहा है इसे इसमें पंद्रह प्रतिशत का भारांक दिया जाता है पारिस्थितिकीय सेवाओं को छह प्रतिशत का भारांक वायु गुणवत्ता को बीस प्रतिशत भारांक दिया जाता है जो कि सर्वाधिक है सबसे ज्यादा भारांक किसी भी देश की एयर क्वालिटी को दिया जाता है तो एयर क्वालिटी जिस देश की जितनी अच्छी है उतना ही पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में उसका परफॉर्मेंस अच्छा है एयर क्वालिटी को ट्वेंटी वेटेज मिलता है स्वच्छता और पेयजल को 16 परसेंट फिशरीज को साठ छह परसेंट जल संसाधन तीन परसेंट और जलवायु परिवर्तन देखिए वैसे तो भारांक आपके 24 प्रतिशत है जलवायु परिवर्तन का पर जलवायु परिवर्तन क्या है बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करता है तो इसीलिए अगर किसी एक विशिष्ट समूह पर बात होती है तो हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा भारांक वायु गुणवत्ता का है क्योंकि जलवायु परिवर्तन में तो बहुत चीजें आ जाएंगी ये डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है जैसे कि जलवायु परिवर्तन में तो आपके टेम्परेचर भी आ जाएगा वायु भी आ जाएगी आपके बीमारियां भी आ जाएंगी बहुत सारी चीजें आ जाती है जलवायु परिवर्तन में तो पर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वालिटी की बात करें तो उनमें सबसे ज्यादा भारांक जो है वो वायु की गुणवत्ता का है और अगर सभी चीज़ों के क्यूमलेटिव इफेक्ट साथ में इफेक्ट को देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन को चौबीस प्रतिशत का भारांक दिया गया है प्रदूषक उत्सर्जन है तीन प्रतिशत पर कृषि आपके तीन प्रतिशत अपशिष्ट प्रबंधन दो प्रतिशत और जो भारी धातु जैसे कि शीशा हो गया मरकरी हो गया लैड हो गया कैडमियम हो गया ये सभी आपके पारिस्थितिकी में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं जैसे कि लेड वगैरह अगर पानी में चला जाए तो मछलियाँ मर जाती हैं तो उन सभी को दो परसेंट का भारंक दिया गया है तो इस तरीके से ग्यारह चीज़ें हैं बत्तीस संग पैरामीटर्स हैं उसके आधार पर इस इंडेक्स को निकाला जाता है अब ध्यान से समझिएगा इस इंडेक्स को किसको कैसे क्या किया जा रहा है तो यहां पर मेनली दो चीजों को वेटेज दिया जाता है साठ परसेंट जो वेटेज दिया जाता है वो दिया जाता है पारिस्थितिकी को आपके पारिस्थितिकी जो है कि पारिस्थिति वाइटिलिटी कितनी है पारिस्थितिकी की जो संपन्नता है वो कितनी है और दूसरा पर्यावरणीय स्वास्थ्य को पर्यावरण की हेल्थ कितनी है तो मेनली दो चीजें इसमें देखी रहती हैं पर्यावरणीय स्वास्थ्य जिसे चालीस प्रतिशत का भारांक दिया जाएगा और पारिस्थितिकी जिसे साठ प्रतिशत का भारांक यहां पर दिया जा रहा है पारिस्थितिकी वाइटिलिटी में आपके आ जाते हैं जैव विविधता इकोसिस्टम सर्विसेज मत्स्यन वाटर रिसोर्सेज क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन और आपके हैवी मेटल्स ये सभी चीजें इसी के अंदर आ जाती हैं ऐसे ही जो पर्यावरणीय स्वास्थ्य है उसमें वायु की गुणवत्ता देखी जाती है इसमें मेनली पी एम टू पॉइंट फाइव और जो भी घरेलू ठोस ईंधन से जो कचरा निकलता है वो देखा जाता है पीएम टेन को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता आपके सैनिटेशन ड्रिंकिंग वाटर को देखा जाता है वेस्ट मैनेजमेंट को देखा जाता है इस तरीके से चीजें होती हैं तो ध्यान रखिएगा हमारा जो पूरा सूचकांक है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स का इसमें 40 परसेंट विटेज है इकोलॉजिकल वाइटिलिटी का यानी कि पारिस्थिति की संतुलन कितना है और दूसरा पर्यावरणीय स्वास्थ्य का जिसमें 40 प्रतिशत भारा है और इस पर्या पारिस्थिति की संतुलन में आपके सभी चीजों को देखा जाता है इवन आपके मिथेन कितनी है नाइट्रोजन के ऑक्साइड कितने हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है ग्रीन हाउस गैसेस कितनी है सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या कर रहे हैं आपके सभी चीजों को इंक्लूड किया जाता है और पर्यावरणीय स्वास्थ्य में पीने का पानी कैसा है लेड कितना है सॉलिड वेस्ट कितना है ओजोन कितनी आ रही है पीएम 2.5 क्या है इन सबको देखा जाता है तो इस तरीके से हमारा ये ईपीआई इंडेक्स 11 मुद्दों पर 32 संकेतकों के साथ में तैयार किया जाता है तो इसे ध्यान रखिएगा इट इज ई एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स वन मिनट गाइस। माइक निकल जाता है हाँ, ये हमारी बात हो जाती है तो देखिए भारत का प्रदर्शन यहां पर काफी निराशाजनक रहा है भारत के प्रदर्शन की अगर आप बात करो तो ईपीआई इंडेक्स में जहां पर 2018 में हमारा एक स्थान था और स्कोर था 30.57, ठीक है जबकि अब हमारा स्थान एक हो गया है यानी कि पहले से हमने सुधार किया है पर गंदी बात यह है कि जहाँ पर हमारा स्कोर पहले सौ में सा तीस पॉइंट फाइव सेवन था वहीं पर हमारी रैंक 2020 में जरूर बढ़ी है 77 से 68 हो गई है बट स्कोर गिर गया है यानी कि इंडिया की रैंक बढ़ी पर इसका मतलब ये नहीं इंडिया ने ज्यादा अच्छा पर्यावरण में प्रदर्शन किया इसका मतलब यह है कि और देशों ने और घटिया प्रदर्शन किया यानी कि यूएसए जैसे देश इन्होंने कह दिया जलवायु परिवर्तन होता ही नहीं है डोनाल्ड ट्रंप आपके सब कुछ ले लाके भाग गए थे तो फिर यही होना था तो इसीलिए हमने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया पर और देशों ने ज्यादा घटिया प्रदर्शन किया इसीलिए हमारी रैंक थोड़ी बढ़ गई नहीं तो हमारा हमने अच्छा प्रदर्शन किया होता तो सौ में से हमें भी नंबर ज्यादा मिलते जहां पर 2018 में 30.57 स्कोर था उसकी जगह अब हमारा 27.6 है फिर भी हमारी 168 रैंक है तो इसीलिए ध्यान रखना भारत का प्रदर्शन आशाजनक नहीं है बल्कि और देशों का प्रदर्शन यहाँ पर निराशाजनक है और भारत केवल और केवल भारत केवल और केवल 11 देश जैसे कि बुरुंडी सोलोमन आइलैंड मेडेगास्कर गिनी आइवर लियोन और अफगानिस्तान म्यांमार लाइबेरिया से बेहतर स्थिति में तो इतने बेकार अफ्रीका के जैसे देश उनके साथ में हमें रहना पड़ रहा है पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक के अंदर पर्यावरण का जो प्रदर्शन है हमारा ऐसे देशों से ठीक है अब सोच के देखो हम कितना नीचे बैठे हुए हैं तो हमें पर्यावरण प्रदर्शन के लिए कार्य तो करने ही होंगे अफगानिस्तान को छोड़ दिया जाए तो सभी दक्षिण एशियाई देश इवन आपके जो पाकिस्तान जैसे देश है उनका भी पर्यावरण प्रदर्शन हमसे बेहतर है तो ये आप यहां देख सकते हो तो आसपास के देशों की बात करें तो देखो भूटान की रैंक 107 है श्रीलंका की रैंक 109 है मालदीव की रैंक 127 पाकिस्तान हमसे आगे 142वीं रैंक पर है नेपाल हमसे आगे 145वीं रैंक बांग्लादेश एक और फिर आता है आपका भारत और फिर लास्ट में अफगानिस्तान तो देख लो नेपाल बांग्लादेश मालदीव ऐसे देश भी हमसे आगे निकल गए इसमें फर्स्ट नंबर पर डेनमार्क है पूरे विश्व में फर्स्ट नंबर पर डेनमार्क है सेकंड पर लग्जमबर्ग और सबसे नीचे है लाइबेरिया चीन आपके एक नंबर पर है अमेरिका चौबीसवें नंबर पर है तो डेफिनेटली कहने को तो हम कह रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे पर हालत तो हमारी गंभीर है क्योंकि तो हम लोग भी औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं और हम हमेशा कहते रहते हैं कि अमेरिका भी इतना प्रदूषण कर रहा है चीन भी इतना प्रदूषण कर रहा है तो हम भी करेंगे और इसी को कहकर भारत आज भी बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहा है माना कि चाइना ने अमेरिका ने गलतियाँ की और वो कर भी रहे हैं आज भी कर रहे हैं पर उन्हीं की देखा देख हम लोग भी कर रहे हैं और उसकी गवाही ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक देता न जा रहा है तो देखिए आपके विभिन्न संकेतों को में अगर बात की जाए स्वास्थ्य संबंधी हम बात कर रहे हैं किस कैटेगरी की पर्यावरणीय स्वास्थ्य की जिसमें फोर्टी परसेंट वेटेज है तो यहाँ पर वायु गुणवत्ता स्वच्छता पेयजल भारी धातु और अपशिष्ट प्रबंधन आदि इसके अंदर शामिल है और यहाँ पर पर्यावरणीय स्वास्थ्य में हमारी कंडीशन बिगड़ती जा रही है हमारे यहाँ पर अस्थमा दमा और बहुत सारी बीमारियां निकलती जा रही हैं क्योंकि आपके पर्यावरणीय स्वास्थ्य हमारा खराब है वैसे तो इंडिया का हेल्थ सेक्टर पूरा ही खराब है पर एनवायरमेंटल सेक्टर और भी खराब है एनवायरमेंटल हेल्थ तो इस पर भारत को ध्यान देना होगा आपने कल के लेक्चर में पढ़ा था पहला स्मोक टावर हमें दिल्ली में लगाना पड़ा क्या करें एयर क्वालिटी इतनी खराब इस है इससे बढ़िया गैस चैम्बर में रह लो दिल्ली को गैस चैम्बर पुकारने लग गए हैं लोग इतना पॉल्यूशन होता है तो उस पर हमें ध्यान देना होगा फिर बात करें जैव विविधता और पारिस्थितिकी की तंत्र में तो हमारा काफ़ी कम स्कोर है वन दक्षिण एशिया के अंदर जैव विविधता और पारिस्थितिकी की तंत्र में जलवायु परिवर्तन के संकेतकों की संकेतक अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के बाद दूसरे स्थान पर हमारे जलवायु परिवर्तन के संकेतक रहे हैं और जो कि पिछले दस सालों में बताते हैं कि ब्लैक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस हम लगातार ज़्यादा उत्सर्जित करते जा रहे हैं तो ब्लैक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेज इंडिया लगातार काफी ज्यादा उत्सर्जित करता जा रहा है ऐसे ही आप देख सकते हो जलवायु परिवर्तन की श्रेणी में समायोजित उत्सर्जन वृद्धि दर हमारी बढ़ रही है चार प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि सी एच फोर सीओ टू कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन वायुमंडलीय ओजोन ये सभी प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनको हम लगातार बढ़ा रहे हैं भूमि अन आच्छादन में कमी हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है हमारे यहाँ पर जंगल नष्ट होते जा रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस की तीव्रता बढ़ रही है और ए तरह तरह की, की भौतिक जो चीज़ें हैं वो हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं एसी फ्रिज कोल्ड स्टोरेज इसीलिए प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस का जो खपत है वो भी ज़्यादा हो रही है प्रति व्यक्ति हम ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जित करते हुए नज़र यहाँ पर आ रहे हैं तो ये सारी चीजें आपके हो रही हैं तो देखिए अगर इन सभी चीजों को हमें कंट्रोल करना है तो हमें पहले सुशासन को लगाना होगा क्योंकि जब तक आपके देश में सुशासन नहीं होगा गुड गवर्नेंस नहीं होगी प्रोग्राम्स किसी काम के नहीं हैं तो पहले हमें उन्हें इम्प्लीमेंट करना होगा हमें लोगों की भागीदारी पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सुनिश्चित करनी चाहिए पारदर्शी विनियमन लक्ष्यों पर और खुली बहस होनी चाहिए स्वतंत्र मीडिया यहाँ पर पार्टिसिपेट करे एन आकर सरकार के साथ में हाथ मिलाकर पर्यावरणीय स्वास्थ्य को ठीक करने पर कोशिश करने की आवश्यकता है साथ साथ जो भी नए नए रुझान हैं ट्रैक्स हैं उन्हें हम देखें और फिर हमारा जो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है वह हमारे सतत विकास लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में मदद देगा तो ये सारी चीज़ें हमें करनी होंगी तब कहीं जाके कुछ होगा अदरवाइज हमारा जो परफॉर्मेंस है वो खराब ही बना रहेगा तो इस चीज़ पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता होगी ओके गाइज चलिए आगे बढ़ते हैं एक स्कीम निकाली गई विश्व पर्यावरण दिवस पर और वो थी नगर वन योजना क्या है नगर वन योजना तो हमारे पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अगले पांच वर्षों में देश में 200 शहरी वन विकसित करने की योजना है नगर वन योजना जंगलों में तो वन होते ही हैं गांवों में भी वन होते हैं तो चलो शहरों में भी वन बनाएंगे शहरों में भी प्लांटेशन करेंगे और यही है नगर वन योजना तो कोरोना के चलते हुए आपके नगर वन पर ध्यान केंद्रित किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने तो जितने भी नगर हैं आपके जितने भी नगर निकाय हैं गैर संगारी संगठन हैं स्थानीय नागरिक हैं इन सभी के बीच में पार्टिसिपेटिव कॉपरेशन के साथ में सहयोगात्मक कार्यवाही के माध्यम से शहरों में भी वन का विकास किया जाएगा उदाहरण है आपके बेंगलौर बेंगलौर में आपके क्या था हमने एक मियावाकी पद्धति को यूज किया और बहुत ही जल्दी कुछ ही एक ही दशक में काफी घने वनों का विकास कर दिया तो ऐसी चीजें आगे भी की जाएंगी तो इसके अंदर क्या होगा <coughs> एक फंड है हमारे पास कैंपा फंड कैंपा फंड क्या है कंपन अफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 कि जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है निर्वनीकरण के वनों को काटने के वो इस फंड में कुछ पैसा देगा चाहे वो एनजीओ हो सरकारी संस्था हो निजी संस्था हो और उस पैसे का यूज करेंगे दोबारा से वन लगाने के अंदर तो ये कैंपा फंड से ही आपके निधि इसमें यूज की जा रही है और कैंपा फंड आपके 2015 में ही चालू हो गया था और फिर उसके बाद में आपके यहां से अब हम हमारे जो शहरों के वन विभाग हैं स्थानीय निकाय हैं ये साथ मिलकर 16.8 पॉइंट वर्ग किलोमीटर में ऑलरेडी आपके पुणे में काम कर कर दिखा चुके हैं जिन्होंने पूरा वार आपके वारजे अर्बन फॉरेस्ट जो कि एक बंजर पहाड़ी हुआ करती थी पुणे के अंदर उसे हरे भरे जंगल में बदल दिया तो ऐसे ही आपके और भी क्षेत्रों के अंदर नई नई प्रजातियों का विकास किया जाएगा और जो बंजर भूमिया है वहां पर कैंपा फंड से पैसा लेकर वनीकरण करेंगे इस तरीके से नगरों में भी वन हो जाएंगे और नगर वन योजना सक्सेसफुल हो जाएगी तो देखिए इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय ने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर भी बताया है कि हमने जो वनीकरण की नगर वन योजना जैसे प्रोजेक्ट कुछ शहरों में चलाए थे अब ये पूरे भारत में चल रहा है और पहले कुछ ही जगह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाए गए थे तो जो लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है जो कि दो साल में एक बार ही आती है तो उस लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट में भी बताया गया कि इन्हीं की वजह से हमारे वनों में वन प्रतिशत की वृद्धि भी दर्ज की गई है और साथ साथ अब इस एक नई रिपोर्ट थी उसमें भी काफी जगह बताया गया कि चौंतीस जंगलों के अंदर आपके कमियां देखी जा रही हैं चौंतीस प्रतिशत जंगल प्रतिशत जंगलों के क्षेत्रफल में कमी भी आई है टोटल देश के कुल 269 जिलों 2629 जिलों में और इसी को अब हम नगर वन योजना से जोड़ेंगे तो यहां पर भी नगरों में भी वन होंगे वन का मतलब ये नहीं है जंगल ही जाना पड़ेगा गांव में ही जाना पड़ेगा हो सकता है कि आपके शहर के आसपास कोई पहाड़ी है कोई डूंगरी है कोई ऐसा स्थान है जो कि बंजर पड़ा हुआ है जहाँ पर कुछ नहीं होता ना कोई शहर है ना कुछ है तो उस जगह पर जो जगह कोई काम नहीं आ रही वहीं पर वन उगा दो तो हो जाएंगे नगर के वन और इसी को ही नगर वन योजना और जैसे ही वन होंगे ऑक्सीजन का ज्यादा प्रोडक्शन होगा और ये काम कार्बन सिंक के रूप में भी यूज आएंगे कार्बन सिंक क्या होता है एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर कार्बन को कंज्यूम करके रखा जा सकता है यानी कि कार्बन सिंक क्या है एक वनस्पति क्षेत्र एक जंगल या फिर एक फाइटोप्लैंकटन समृद्ध समुद्र हो सकता है जो कि जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है जैसे कि नॉर्मल सिंक में तुम हाथ धोते हो कचरा डालते हो वैसे ही यहाँ पर कार्बन सिंक में कार्बन को तुम स्टोर कर दोगे वो कोई भी जंगल हो सकता है या फिर कोई ऐसा समुद्र हो जिसके ऊपर खूब सारे फाइटोप्लैंक्टन छोटे छोटे पेड़ पौधे हों या फिर शैवाल हों जो कि कार्बन को कंटेन कर सकें तो ऐसी चीज कार्बन सिंक होती है तो ये जो नगर वन होंगे ये भी एक कार्बन सिंक की तरह काम करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण कर लेंगे तो कार्बन सिंक के माध्यम से क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करने की जो प्रक्रिया है वह आपके रुक जाएगी और वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो यही कार्बन सिंकिंग की प्रक्रिया को कहते हैं कार्बन प्रच्छादन कार्बन स्वीक्रेसेशन तो सा कार्बन स्वीक्रेशन जो होगा वो हो पाएगा तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है हरियाली की हरियाली ऑक्सीजन का ऑक्सीजन और कार्बन का कार्बन कंटेंट किया जा सकता है तो ये सारी चीजें यहां पर रहेंगी तो गाइज आज के लिए इतना ही करते हैं थैंक तो यू टू ऑल ऑफ यू गाइज अब आपके एनवायरमेंट की नेक्स्ट क्लास होगी अगले बुधवार कल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वार्षिकांक चालू हो रहे हैं तो कल हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वार्षिकांकों को, को करेंगे ठीक है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी चालू होगी तो देखो मैंने कहा था दो दिन इकोनॉमिक्स वार्षिकांक दो दिन एनवायरमेंट और दो दिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ताकि तीनों चीजें आपके चलती रहें ओके गाइस थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू और अन अकेडमी के नए बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो एस एस लाइव रेफरल कोड के द्वारा एस एस लाइव रेफरल कोड से आप इसे ज्वाइन कर पाएंगे और एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों अभी आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया गया है अन अकेडमी कॉम्बैट का वहां पर इनवाइट कोड एस एस लाइव यूज कर कर उसे एनरोल कर लो ताकि अन ऑल इंडिया लेवल पर अपनी रैंकिंग को आप देख पाओ और टेस्ट दे पाओ चौदह फरवरी को थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू